संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के घर वालों ने मानपुर निवासी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार गांव पाडली बाजे निवासी राकेश गुप्ता को शाम 7 बजे एक युवक अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया था। उसके 2 घंटे बाद गाँव के युवक ने बताया कि गाँव से 300 मीटर दूर जंगल में राजेश गुप्ता बेहोश पड़े हुए हैं। तभी परिजन वहां पहुंचे और आनन फानन में पास ही के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई पप्पू गुप्ता ने बताया कि एक युवक शाम को इन्हें घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। मृतक के भाई ने बताया कि आने वाली 25 तारीख को मृतक की बेटी की बारात आनी है। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी, जो कि सारी खुशियां आज मातम में बदल गई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम भैया? जो रात घटना घटी है, क्या घटना? घटना ऐसी, हमारे भैया घर पे थे। क्या नाम था? राकेश कुमार। राकेश गुप्ता घर पे थे जी। जी, एक लड़का यहाँ का मानपुर का, नाम था कपिल जी। वो उन्हें घर से बुलाने आया कि अभी लाला जरा वहाँ चल रहे हैं रामले देखने जी। तो रामले देखने बुलाने के लिए आ गया। उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद पता चला कि यहाँ पे वो मृत्यु हो गई थी उनकी। मृत पाएगा यहाँ पर? हाँ। तो उसमें क्या तो वो यहाँ से गया गांव में। आप किस टाइम? लगभग 9 बजे का टाइम होगा, 8:30-9 बजे का टाइम होगा। तो वहाँ पे वो गांव में उन्हें छोड़ के यहाँ पे चला गया। गांव में गया, गांव के लड़के ने पकड़े दो कि अभी यार वो ऐसे वहाँ पड़े हैं, वो उनकी तबीयत खराब हुई है क्या है। किसने पकड़े दो लड़के? वो गाँव मतलब जो कपिल, हाँ जो कपिल यहाँ था, कपिल वहीं गया रामलीला में जा रही थी। वो पहुँच गया, वो उसके एक रिश्तेदार रहते हैं, शायद रिश्तेदार हैं, मिल्लतदारी जो भी जी, जी, जी। तो वो वहाँ पहुँच गया, वहाँ से दो लड़कों को अपने उसमें पकड़ के ले आया, लेके आया यहाँ पर। हाँ, तो उनसे हमारे भैया को घर भिजवा दिया उसने। अच्छा। और वो गायब हो गया। अच्छा, जिस समय उसने घर भिजवाया तो मृत हालत में थे क्या वो? मतलब वो जब हमने जब वो खटिया पे लिटा के आए लड़के जी, तो हमने जब उन्हें देखा तो वो मृत्यु हो चुकी थी उनकी। हम संदेह में थोड़े ले गए कनपुर डॉक्टर साहब के पास जी, थोड़ा दिखाने जाके जी। तो डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर ने अच्छा जिस समय मृत्यु हुई थी उनके शरीर पर किसी तरह कोई निशान? ये चोट है, यहाँ चोट है जी, यहाँ चोट है और ये दोनों टांगों पे चोट है। अच्छा, और ये होटो पे, ये पूरे मुँह पर खरोटा हुआ। आपको क्या लगता है इसमें हत्या है? हाँ, हत्या करिए, हत्या मारा है जी। किसी पर शक है इस तरह का? कपिल। अच्छा, जो कपिल लड़का है, मानपुर का लड़का है। अच्छा, मानपुर का लड़का है जो उनको घर से बुला करके लेके आया था। बुला लाया, उसने यहाँ पर लाके मारा तोड़ा क्या करा। अच्छा, क्या संबंध थे उससे उनके, आपके भाई? भी नहीं, मतलब गांव में, मतलब काफी दिनों से गांव में आता जाता था वो। अच्छा, उसके काफी लोगों से मतलब जी जी आता जाता था, हाथ हाथ मिलाना, मतलब चौकी मानपुर चौकी पे उसके पापा काम करते थे जी। उसका क्या काम है? सफाई वफाई का। तो उसी के जरिए मतलब गांव वाले जाते थे तो उससे संपर्क होता रहा जी। तो वो गांव है तो ऐसे आते जाते थे। अच्छा, आपके भाई किसी तरह का कोई सेवन तो नहीं करते थे ना? मैं ऐसे नहीं, कभी कभी बात, कभी कभार इस तरह का कोई सेवन हो जाता तो कोई बात नहीं थी ऐसी जी जी जी। कोई रंजिश नहीं, कोई भी रंजिश नहीं है किसी तरह की भी? क्या नाम था मृतक जो? राकेश गुप्ता जी। क्या करते थे? दुकान थी उनकी। उम्र क्या थी उनकी? लगभग 45 साल। 45 साल। इसलिए अब तक क्या कार्रवाई हुई पुलिस की? अब पता नहीं, पुलिस तो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तभी उसके बाद देखेंगे क्या होता है। पोस्टमार्टम के लिए कब भेजा था आपने? सुबह 8 बजे। जिस समय घटना घटी आपने सूचना कब की पुलिस वालों? हमने पुलिस वालों को सूचना जब भी की थी जी, रात ही। अच्छा, तो दरोगा जी की थी मानपुर जी, तो उन्होंने भी काफ़ी देर बाद आए जी। फिर ऐसा आपसे बात करी तो ऐसा फिर काफ़ी देर में आई। अच्छा, जो इस घटना में इन्वॉल्व है उसे पुलिस ने क्या किया, पकड़ रखा है या वो अभी फरार है? इस बारे में कोई हमें जानकारी नहीं दी। अच्छा, अभी आपको मतलब ये कहना है कि अभी प्रक्रिया चलेगी, अभी आओ पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना, तब उसके बाद। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन आपकी नज़रों में संदेह तो ये है ना कि हत्या हुई है, और आपका आपने कहा भी है कि हम पूरा उसी पे संदेह है, इसके बाद भी जो पुलिस कार्रवाई है वो इस तरह आपको पोस्टमार्टम के बाद ही जो कार्रवाई की जाएगी। जो कपिल नाम का व्यक्ति है उसके अलावा किसी पे आपको? बाकी उसे पता होगा, हम तो कपिल ही लिवा के लेकर आया था। आपने तहरीर दिए? हाँ, तहरीर दिए। अच्छा, आपको लगते हैं उसके, आप कौन है उसके जो मृतक है? मृतक भाई हो उनके? आपको पक्का संदेश है कि पक्का यही है कि इन्होंने जो है इनकी हत्या की गई है?
ऐसा तो नहीं है कि पारिवारिक समस्या के चलते हुए मतलब डिप्रेशन में आकर गए या उन्होंने कोई समस्या की हो, मतलब आत्महत्या की हो, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। कल मोटरसाइकिल के लिए गए थे मुरादाबाद, अच्छा, बुलेट लेने के लिए, लड़की की शादी है 25 नवंबर को, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर गाड़ी नहीं मिली थी जी, वहाँ से आ गए जी, उसके बाद लगभग वहाँ से 3-4 बजे वो आ गए होंगे घर से, करीब 6-7 बजे वो आया, बुला के ले गया, उसके बाद निकाल गया। अच्छा, कोई भी पारिवारिक ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसके जिसके डिप्रेशन में आकर के वो आत्महत्या कर सकते थे, मतलब ये हत्या का ही है हमारे यहाँ आज तक, मतलब भैया हमारे लेकर आज तक यहाँ तक ठीक ठीक अच्छा पैसे।